कल भी आज भी देश का नंबर वन सिर्फ एक आज तक। आज की तारीख में अगर ये चालू नहीं हुआ तो ये सारे पटवारी बाड़मेर जैसलमेर जाएंगे, इनको कह दो। और ये आज के बाद यहाँ नेतागिरी एक ही आदमी करेगा, वो मैं हूँ, और दूसरे नेतागिरी करी तो उसको मैं बता दूंगा। सुनिए सीएम गहलोत के मंत्री अशोक चांदना की ये धमकी। 35 दिन तक बाड़े बंदी में रहने के बाद इन्हें जनता की याद आई तो ये बूंदी के हिंडौली और नैनवा में जन सुनवाई करने पहुंच गए। किसानों के नामांतरण नहीं खोलने के मामले को लेकर पटवारियों पर खफा होते हुए कलेक्टर को सीधे फोन लगा डाला। इसके बाद जो कुछ भी मुंह में आया बेधड़क बोलते चले गए। ये कहीं बाहर जाएंगे, इनको कहो कि बाड़मेर जाके काम करेंगे। अभी ये जनता का काम करने का काम की बात कर रहे हो, रुक जाओ दो मिनट। आज की तारीख में अगर ये चालू नहीं हुआ तो ये सारे पटवारी बाड़मेर जैसलमेर जाएंगे, इनको कह दो। और ये आज के बाद यहाँ नेतागिरी एक ही आदमी करेगा, वो मैं हूँ, और दूसरे नेतागिरी करी तो उसको मैं बता दूंगा। और एंड आई डोंट वांट टू बी इन दिस काइंड ऑफ एम्बेरस सिचुएशन अगेन, प्लीज। एसडीएम साहब उनसे पूछो किसको काम करना है नहीं करना, लिस्ट बना के दो, रात को ऑर्डर निकालता हूं। मंत्री जी की धमकी वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस पर बाड़मेर के समाज सेवियों और बीजेपी के नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। बीजेपी ने तो ये तक कह दिया कि ऐसा बयान देकर अशोक चांदना ने बाड़मेर और जैसलमेर की जनता का अपमान किया है। बाड़मेर जैसलमेर को आज भी हे दृष्टि से बताना, ये बाड़मेर की लाखों की जो जनसंख्या है, जनता है, उसकी भावना का निरादर है। और बाड़मेर जैसलमेर के लिए काले पानी से उनकी तुलना करके और सजा के बतौर का बाड़मेर जैसलमेर प्रदेश को बताना, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और बाड़मेर की जनता को, बाड़मेर के जनप्रतिनिधियों को ऐसी टिप्पणियां सहन करनी नहीं चाहिए। और अशोक चांदना जी को, अशोक गहलोत को समझाना चाहिए कि इस प्रकार की वाहियात बातें नहीं करें। किसी तरह की ऐसी काले पानी वाली जैसी बात बाड़मेर में नहीं है। यूँ कहकर बाड़मेर के लोगों का स्वाभिमान डाउन करने की बात उन्होंने, मंत्री जी ने की है, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। हम यहाँ पे स्वाभिमान से जी रहे हैं, हमारी स्थिति जैसी भी है दूसरों से ठीक है। जैसलमेर और बाड़मेर जिला गहलोत के मंत्री की नजरों में शायद काफी पिछड़ा है, तभी तो वो खुलेआम पटवारियों को यहाँ ट्रांसफर करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन शायद मंत्री जी इस बात को भूल गए कि जिस सूर्यगढ़ होटल में उनकी कई दिनों तक खातिरदारी हुई थी वो भी रेगिस्तान में ही था। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चांदना ने बाड़मेर जैसलमेर को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है और उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर बीजेपी और सामाजिक कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके से आक्रोश है कि मंत्री जी को इस तरीके का बयान रेगिस्तान के बारे में नहीं देना चाहिए। यह वही रेगिस्तान है जिन्होंने 13 दिन तक सरकार की खातेदारी की थी। इस बयान के बाद यहाँ के लोगों में जबरदस्त तरीके से रोष नजर आ रहा है। प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना ने धमकी वाली जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उसे अब सरकार के बाकी मंत्री भी सही ठहराने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आज डूंगरपुर धौलपुर के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, बाड़मेर जैसलमेर के अधिकारी दूसरे जिले, तो सजा किसी के लिए नहीं होती? काम न करने के एवज में कहीं पर तो सजा ही हुई ना। काम यदि मेरा कोई दायित्व है और यदि मैं अपने दायित्व को नहीं निभा रहा हूँ तो मैं लापरवाही कर रहा हूँ तो उसको क्या मिलनी चाहिए, आप बताओ? लहजा की बात नहीं है, मान लो मैं अपने दायित्व के प्रति मैं फर्ज अपना अदा नहीं कर रहा हूँ तो आप बताइए क्या सजा होनी चाहिए? तो मेरा भी दायित्व है ना, मैं अपना काम करूँ, मैं काम नहीं करूंगा तो कहीं तो सही। अशोक गहलोत के मंत्रियों और विधायकों को शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि इतने दिनों तक जनता के बीच नहीं गए तो कहीं उनके प्रति जनता की सोच बदल ना जाए, शायद इसीलिए जल्दबाजी में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है, उसे अच्छी तरह से मालूम है कि कौन अपना है और कौन पराया। राजस्थान तक के लिए बाड़मेर से दिनेश बोहरा की रिपोर्ट।